दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह शिष्टाचार मुलाकात थी। चुनाव जीतने के बाद वक्त मांगा था दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए, सहयोग मांगा है प्रधानमंत्री मोदी से। दिल्ली के हालात पर भी चर्चा की गई है। मैंने यह बताया कि रविवार को बहुत अफवाहें फैली थी, उसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, बहुत बड़े हादसे को रोका जो काबिले तारीफ़ है। सोमवार मंगलवार रात सबसे ज़्यादा दंगे थे एक ही दिल्ली में। जिस तरह संडे को पुलिस ने रोका, अगर सोमवार और मंगलवार को भी वैसा ही करती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। हमने चर्चा की कि भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि दंगे कराने के लिए ज़िम्मेदार जो भी हो, कितने ही बड़े हो, कोई भी हो, उन्हें बख्शा ना जाए। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस पर भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बात की। आइए सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान क्या कुछ कहा। मैंने अगले 5 साल दिल्ली का विकास करने के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए उनसे सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से दिल्ली के कामों के लिए सहयोग करेंगे। और उनसे अभी पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में हालात हुए उस पर भी चर्चा हुई।